जैसे देख पा रहा आज मेरे पास है होंडा की मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमी और रेसिंग दोनों ही सेगमेंट की बेस्ट बाइक होंडा एसपी 125 BS6 FI वाली वेरिएंट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा दे, इस जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा BS6 और लुक वाइज आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा कि ये BS6 की बाइक है। और आज की इस टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं, आज की ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे ही इग्निशन ऑन करके दिखाएंगे तो इस जगह पर आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर एक चेक इंजन लाइट का एरर कोड शो करता है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दें, इसके लेफ्ट साइड से अगर देखें तो यहाँ पे ऑन ऑफ करने का कोई सिस्टम नहीं, यानी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कंप्लीट थ्रोटल बॉडी वाली बाइक है। और यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा इस जगह पे इसका फ्यूल पंप असेंबल है। होंडा की गाड़ियों में फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप असेंबल नहीं होता है। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है, आज हम बात करेंगे बिना OBD कनेक्टर के, बिना चेकअप अडाप्टर लगाए हुए आप इसके चेक इंजन लाइट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। बाय द वे, कोई भी सेंसर खराब हो गया या फिर कोई भी आपका जो एक्चुएटर का एरर कोड या फिर ECU का एरर कोड मीटर में जनरेट हो रहा है, मीटर एरर कोड शो कर रहा है बट गाड़ी में कुछ इशू नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जा रही है, तो किस तरह से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे बिना OBD कनेक्टर लगाए, बिना चेकअप अडाप्टर लगाए, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए, एक एक प्रोसेस के बारे में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, और आपको हम दिखाते हैं किस तरह से बिना OBD के अब बाइक के इस एरर कोड को यहाँ से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं जो इस जगह पे चेक इंजन लाइट जला हुआ रहता है। चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चलिए आपको हम बताते हैं, सबसे पहले इसका चेकअप अडाप्टर किस जगह पे असेंबल किया। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सीट को ओपन करेंगे। तो सीट को ओपन करने के लिए इस जगह पे इसका की लगा हुआ, यहाँ से इसको इजीली पुश करके इसके सीट को इस जगह से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका सीट ओपन कर लेंगे। और इसके लेफ्ट साइड में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दें इसका ACG स्टार्टर लगाया गया और इसके राइट साइड के ऊपर चेकअप अडाप्टर दिया गया है। तो आपको हम कंप्लीट कंफर्म करके दिखा देंगे कि बिना OBD कनेक्टर लगाए, ना उसमें कोई OBD लगाएंगे, ना चेकअप अडाप्टर, ना टैब से, ना कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, और इसका एरर कोड यहाँ लाने के बाद ऑटोमेटिकली फिर यहाँ से रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको हम दिखाते थे इसको ओपन करके कि इसके अंदर आपको चेकअप अडाप्टर इधर से नहीं मिलेगा, तो ईजिली यहाँ से रिमूव हो गया। दो इस तरह से स्क्रू को ओपन करेंगे और ये आप आसानी से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ एक सिल्वर कलर का एकदम बड़ा सा ACG स्टार्टर लगाया गया है, इसी के अंदर आपका RR यूनिट मिल जाएगा, TCI का यही काम करता है और यही हमारा जो सेल्फ का मैग्नेटो वर्क करवाता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी इसलिए इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई सी भी एक सेंसर को रिमूव करेंगे और आपको फाइनल टच दिखाएंगे किस तरह से हमारा एरर कोड आ जाता है मीटर में और उसको रिमूव करना कैसे है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका चेकअप अडाप्टर किस जगह पर असेंबल है जहाँ पर आप OBD कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके OBD इसके राइट साइड पे मिल जाएगा क्योंकि इसका बैटरी और फ्यूज बॉक्स इसके राइट साइड पे लगा हुआ है, सॉरी थोड़ा हिट टाइट है। तो फ्रेंड यहाँ से स्क्रू को कर दिए रिमूव, अब इसके पैनल को इस जगह से हम ओपन कर लेते हैं इजी वे में, उसके बाद आपको हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। ये कम्प्लीटली खुल जाने के बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा सा बैटरी बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और इसके चेकअप अडाप्टर की अगर बात किया जाए, अगर आपके पास OBD कनेक्टर है, मैंने अभी हम टॉपिक पर पहुँच रहे हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो शूट कर रहे हैं उसके बारे में आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बड़ा सा लिक्विड बिना लिक्विड वाली बैटरी है और इस जगह पर आपको एक चेकअप अडाप्टर देखने को मिल जाएगा जिससे आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ये ईजिली यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप से रहेगा और इसी से कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया जाता है। इस तरह से इसको खोलिएगा तो ये किस कंप्लीट इसका एक पिन लगा हुआ है जिससे आप कंप्यूटर में कनेक्ट कीजिए और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लीजिए। बट ये सिर्फ हो पाएगा सर्विस सेंटर में या फिर हो जाएगा इसके एजेंसी में, बट हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक के पास ना चेकअप अडाप्टर है, ना लैपटॉप है, ना OBD कनेक्टर है। वीडियो में हम जो कवर करेंगे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों को कवर करेंगे तो किस तरह से सेंसर का एरर कोड हम वहाँ पे अभी लाएंगे मीटर में और कंप्लीट बिना OBD लगाए उसको हम हटाएंगे, कैसे हटाना उसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले इसके इग्निशन को ऑन कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से इसका इग्निशन ऑन हो गया और यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कोई चेक इंजन का लाइट अभी नहीं है, गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। देखा हमारी गाड़ी एकदम इजीली स्टार्ट है, अभी यहाँ पे कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, अभी इस पे चेक इंजन लाइट आएगा एरर कोड और उसको बिना OBD से हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। कैसे करना आपको हम दिखाते हैं, अभी इग्निशन को ऑन करके फिर से ऑफ करेंगे। ये देखिए
कोई चेक इंजन लाइट एरर कोड नहीं है। और अभी देखिए चेक इंजन लाइट एरर कोड आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जो थर्मल सेंसर है इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, और थर्मल सेंसर जो हमारा होता है टेम्परेचर सेंसर होता है, ये ECU को ये डिटेक्ट करता है कि हमारा अभी टेम्परेचर किस कंडीशन में है, और उसी हिसाब से हमारी गाड़ी को स्टार्ट करती है फिर मतलब ऑफ करती है। तो यहाँ पर इसका थर्मल सेंसर इस तरह से इसको पुश करेंगे और ये देखिए ईजिली ओपन हो गया। अब इसके गाड़ी को हम जैसे स्टार्ट मारेंगे यहाँ पर चेक इंजन लाइट जलना शुरू हो जाएगा, यानी कुछ एरर डिटेक्ट करेगा, क्योंकि इसका जो ECU है बहुत ही फास्ट है, बहुत ही स्पीड डिटेक्ट कर लेती है। ये देखिए यहाँ पे चेक इंजन लाइट, गाड़ी तो स्टार्ट होगी बट चेक इंजन लाइट नहीं गया। अब इससे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कस्टमर को, क्या होगा कि सुबह को स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ जाता है, मॉर्निंग टाइम गाड़ी स्टार्ट होने की नाम नहीं लेती है क्योंकि इसका थर्मल सेंसर एरर बता रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे जो सर्विस सेंटर वाले हमारे जो होते हैं या फिर एजेंसी वाले, वो OBD कनेक्टर लगा के प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट और सोल्यूशन तो निकाल लेते हैं, बट हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाई फंस जाते हैं, या फिर क्या करते हैं वो सारे वायर को भी ज्वाइंट कर देते हैं, या फिर प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कर लेते हैं, या फिर सारे चीज़ों को सही कर लेते हैं बट मीटर में चेक इंजन लाइट नहीं जाता। वो उसको कैसे करना है, जैसे देखिए आपके पास इस तरह से एरर आया कि इसका OPD ये जो कनेक्टर है ये खुला हुआ है या फिर कहीं से वायरिंग कटा हुआ है, तो इसको हम अगर यहाँ से लगा दें या फिर वायरिंग वगैरह सेफ भी कर दें फिर भी वहाँ पर चेक इंजन लाइट जला ही रहता है। आपको हम दिखा देते हैं, जैसे इग्निशन ऑन करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये देखिए स्टार्ट तो हो गई बट चेक इंजन लाइट जला हुआ है। तो मेन हमारा यही टॉपिक है, इसको यहाँ से रिमूव कैसे करना है, देखिए फाइनल स्टेप कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले इग्निशन को 3 या 5 बार ऑन ऑफ करेंगे, हमारा वो वहाँ से चला आ जाएगा। एक बार इग्निशन को ऑन करेंगे इस तरह से और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आपके साथ लाइव प्रूफ करके दिखाएं कि यहाँ से चेक इंजन लाइट एरर कोड चला गया, और देखिए इधर से हमारा OBD भी नहीं लगा हुआ है, OBD एकदम ढका हुआ है। तो आपके पास भी अगर इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो चुटकियों में प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और आपको फिर से अभी देखिए गाड़ी को ऑन करेंगे और स्टार्ट करके दिखाएंगे, कोई एरर कोड चेक नहीं जलेगा इस पर। ये देखिए कोई चेक इंजन लाइट नहीं, गाड़ी हमारी एकदम फर्स्ट क्लास है, प्लस इसके सेंसर वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से पर डे आपके लिए टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके लिए पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल BS6 के रिलेटेड वीडियो लाते रहें। इसका फ्यूल पंप कैसे वर्क करता है या फिर कोई भी सेंसर कैसे वर्क करता है उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा था आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी हम अलग से सोल्यूशन देंगे। और देखिए गाड़ी हमारी एकदम फर्स्ट क्लास है, अभी कोई जरा से यहाँ पे एरर कोड शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।